आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि इस क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल जो कि है Q पे और PR प्लस पे QR का जो सम है वो है 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है किसकी वैल्यू, साइन P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू और टेन P की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ में आ गया होगा बाय फिगर, पहले हम समझते हैं, देन फाइंड करना है आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्यू पे, पी क्यू आर एक राइट एंगल है जो कि क्यू पे, तो पहले हम इसको डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल एट क्यू बोला है, तो जहां पे राइट एंगल एट क्यू बोला है ना, तो क्यू 90 डिग्री कहां बन रहा है, यहां पे, तो यहां क्यू होगा। अगर राइट एंगल एट पी बोला तो पी यहां लिखते हैं, मतलब जहां 90 डिग्री होगा वहां पे वो चीज लिखा जाएगा। तो यहां पे राइट एंगल एट क्यू है, तो 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, यहां पे, तो क्यू यहां पे आएगा, देन यहां पी आ जाएगा और यहां पे आर। तो ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देन पी आर प्लस में क्यू आर का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पे पी आर प्लस में क्यू आर का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू मतलब ये वाला जो साइड है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे बोला गया है साइन पी और कॉस पी और टेन पी की वैल्यू क्या होगी, तो एक चीज यहाँ पे कि पी आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस में क्यू आर। आप यहाँ से या तो पी आर की वैल्यू निकालो या क्यू आर की वैल्यू, आप किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे QR की PR की वैल्यू निकाला, तो 25 ये प्लस की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल में PGT फार्मूलास पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इस दोनों की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज का नाम यहाँ पे क्या है, PR, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया 5 का स्क्वायर प्लस में बेस, बेस यहां क्या है QR का स्क्वायर। PR की जगह हम क्या रख देंगे, 25 माइनस QR, 25 माइनस में QR, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस में QR का स्क्वायर। यहां a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में थोड़ा सा बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सेम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। a क्या है आपका 25 है और b क्या है यहाँ पे qr है, इज इक्वल टू यहाँ पे 25 आ जाएगा प्लस में qr का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी QR स्क्वायर है और इधर भी QR स्क्वायर है, तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो आप या तो डायरेक्टली अगर दोनों साइड इक्वल में है, दोनों अगर इधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले ही डायरेक्टली काट दिया। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, फिर 25 टू जाए क्या हो जाएगा 50 QR, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इक्वल टू में क्या 25। अब 625 ये प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। अब यहां पे क्या करना है, 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 QR। तो QR की वैल्यू जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा 50, यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 600 अपॉन में कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे 12, तो QR इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर में, यहां पे जो यूनिट जो हमारा सेंटीमीटर में है, तो QR जो हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये QR की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने अज्यूम किया था इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा PR की वैल्यू, तो हमारा QR तो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ QR in equation first. अब equation first में रख देंगे। तो equation first हमारा क्या है? PR is equal to 25 minus में QR centimeter. तो 25 minus में QR की value यहाँ पे कितना है? 12. 25 minus 12 कितना हो जाएगा? 13 centimeter. ये आपकी PR की value.
तो आपको जो तीनों साइड अब इजी वे में अब सीधी सी बात हमने फाइंड कर लिया है, तो अब साइन पी कॉस पी या टेन पी मतलब किसी भी वैल्यू अब फाइंड बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तीनों डायमेंशंस इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्लियर हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो साइन पी तो थीटा के सामने वाला, तो थीटा यहाँ पे पी है, तो थीटा के सामने वाला पी होगा और ये बी होगा और ये एच होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर और हाइटनेस कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 12 अपॉन में 13। सेम ऐसे क्या फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में, कॉस पी। तो कॉस पी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन में एच। तो बेस तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइटनेस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 5/13 ये आपका आंसर। फाइंड लास्ट वाला क्या है 10p। तो 10p तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा के तो सामने वाला पी हो गया, तो पी यहां पे कितना है 12 सेंटीमीटर और बेस कितना आता 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया 12 अपॉन में 5। चीज को अगर यहां नहीं दिख रहा है 12 अपॉन में 5, ठीक काफी इजी वे में ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया था और कैसे फाइंड किया। तो अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।